हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये 6 और 7 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये मेरे 6 और 7 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है। आज हम इसे बनाना सीखते हैं। इसे हम इस तरह से अपने कान्हा जी की गर्दन में बांधेंगे, इस तरह से, और इसे हम कान्हा जी की अपनी कमर बांधेंगे इस तरह से। और यहाँ पर मैंने ये सिलाई लगा ली है 1 इंच के बराबर की, इस तरह से। इसे आप किसी भी साइज में बना सकती हैं। इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। आज हम 6 और 7 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये मैंने कपड़ा लिया है, इसकी जो चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है, इस तरह से 1.5 इंच। इसकी लंबाई मैंने 40.5 इंच लिए, 40.5, ये 20 इंच के डबल है। ये 40.5 इंच लंबाई ली है इसकी, और ये 2 पीस लिए मैंने, 2 पीस मैंने ये लिए। इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है, 2 इंच, और लंबाई इसी के बराबर ली है। अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम इस तरह से लगाएंगे, इसे हम सीधा रखेंगे, इसे हम उल्टा रखेंगे, दोनों सीधे सीधे रखेंगे इस तरह। अब हम यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा इस तरह से बनेगा। यहाँ पे भी हम एक सिलाई लगा लेंगे, इसके बाद हम इसे सिलेंगे इस तरह से। फिर से हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे इसे। इसके बाद फिर हम दूसरा येलो लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से। इस तरह से मैं सिलाई लगाकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ये चारों पट्टी जोड़ ली है इस तरह से। अब मैं यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। ये मेरी आरकंडी है, आप आरकंडी ना हो तो इसमें अस्तल का भी पीस लगा सकती हैं। इस तरह से मैं यहाँ पर तीनों साइड से सिलाई लगा लूँगी इस तरह से रखकर। ये हमारा रेड वाला नीचे रहेगा इस तरह से। यहाँ पर तीनों साइड से सिलाई लगाकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ये तीनों साइड से पर सिलाई लगा ली है, और ये सीधा कर लिया इस तरह से। अब मैं यहाँ पर तीनों साइड से एक सिलाई लगाकर और आपको दिखाती हूँ, और एक सिलाई मैं यहाँ पर लगा लूँगी। यहाँ पर लगाने से आसानी हो जाएगी प्लेट्स लगाने में, लगाकर आपको दिखा। इस तरह से मैंने ये तीनों साइड से सिलाई लगा लिया, और एक सिलाई मैंने यहाँ पर भी लगा लिया ऊपर। इससे हमें प्लेट्स लगाने में आसानी हो जाएगी। अब हम इसमें प्लेट्स लगाएंगे इस तरह से, इस तरह से मैं प्लेट्स लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने इसमें प्लेट्स लगा लिए। ये मेरी 7.5 इंच में लगी है, और ये मैंने नेफा लगाने के लिए लिया है। इस तरह से लगाएंगे हम पीछे की तरफ से, इसमें नेफा लगाएंगे इस तरह से रखेंगे। फिर हम इसे पलट लेंगे इधर सीधे की तरफ, इस तरह से लगाएंगे सीधे की तरफ। और यहाँ पे मैं इस तरह से डोरी लगाकर इसमें डोरी लगा लूँगी, फिर इसमें प्लेट्स इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। और ये मैंने चोली के लिए कपड़ा लिया है, और ये आरकंडी ली है। इसकी लंबाई चौड़ाई बताती हूँ, 3 इंच लंबाई ली है इसकी, 2 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। और अब हम इसे इस तरह से रखेंगे। गले की तरफ हम इसमें थोड़ी सी गोलाई लगाएंगे इस तरह से, तिरछी कटिंग करेंगे इस तरह से।
इस तरह से ये मेरी कटिंग हो गई। अब मैं यहाँ पे इसे सीधा उल्टा रखूँगी और इस तरह से मैं यहाँ पे एक यहाँ से सिलाई लगाऊँगी इस तरह से, और इस तरह से सिलाई लगा लूँगी और ये सीधा करके आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये नेफा लगा लिया है और ये डोरी, और अब मैंने यहाँ पे बीचा बीच में ये निशान लगा लिया है और यहाँ पे मैंने टिश्यू रिबन लगा लिया है। अब मैं इसमें इस तरह से एक सिलाई लगाऊंगी, इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। ये हमें गले पे बांधने के लिए चाहिए। इतना सिलाई लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे इस तरह से सिल लूँगी। इस तरह से मैं दोनों साइड से सिलकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने दोनों साइड से टिश्यू रिबन लगा लिया है। अब इसमें हम बीचा बीच में निशान लगाएंगे इस तरह से, इसका बीच निकालेंगे इस तरह से। ये बीचा बीच में हम इसका निशान लगाएंगे इस तरह से। इस निशान से हम इसे, अब हम यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे सिलाई लगाकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमारी ये ड्रेस बनके तैयार हो गई। अब हम इसे इस तरह से हम गले पे बांध देंगे इस तरह से, और ये हम पीछे की तरफ बांध लेंगे। यहाँ पे आप पिन या एक सिलाई लगा लें यहाँ तक। इस तरह से ये हमारी ड्रेस बनके तैयार हो गई। मेरा समझाने का तरीका और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।